इनको बुलाएंगे वो है यूपी से मिस्टर पावनेश दुबे सर। प्लीज सर वेलकम। हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट वो उसका भी हम ट्रेनिंग लेंगे। प्लीज वेलकम सर, हमारे लिए आप आइए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अभी हम लोगों ने वंदना मैम से अर्चना कैप्सूल के बारे में ट्रेनिंग ली, तो बहुत बढ़िया उन्होंने डिटेल में समझाया, तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम पवनेश दुबे, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, और आज सबके सामने मैं मेंस गोल्ड, जो कि एक प्रोटीन पाउडर है, इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अपलाइन मिल सर, नीरज सर, प्रतिकूल सर, चेतन सर, और ऑल्सो हमारे CMD सर। थैंक यू सो मच सर, आज इस बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए मुझे आपने चुना। तो आइए जानते हैं इस मेंस गोल्ड प्रोटीन के बारे में। ये जो प्रोटीन है, आज की डेट में प्रोटीन क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमारे एमिनो एसिड का बहुत बड़ा भंडार है। आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हम लोगों को कई प्रकार के अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, और इसके अंदर हम लोगों को अमीनो एसिड्स मिलती हैं। और अमीनो एसिड्स हम लोगों की डेवलप करने में क्या क्या मदद करती हैं, हमारी कोशिकाओं को डेवलप करने में मदद करती हैं, हमारे एंजाइमों को डेवलप करने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर मांसपेशियां हैं, उनको निर्माण करने में बहुत ज्यादा मेन रोल अदा करती है। तो हर व्यक्ति को ये प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। इसके अंदर 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होते हैं, और कैलोरी क्या करती है, हमारी बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो आइए जानते हैं हम और आगे इसके बारे में। तो एनर्जी हम लोगों को चाहिए, तो हम लोगों को प्रोटीन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। प्रोटीन कितनी चाहिए हर पुरुष को, हमें हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जवान रहना चाहता है, जो भी व्यक्ति अपनी बॉडी के अंदर से निरोगी रहना चाहता है, हर प्रकार के रोगों से दूर रहना चाहता है, उस हर व्यक्ति को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ये साइंस कहता है, ये डाइटिशियन कहते हैं कि जितना भी व्यक्ति के अंदर वजन है, उस वजन के अनुसार उसको हर ग्राम प्रोटीन चाहिए चाहिए। ये कहा जाता है कि 1 kg वजन अगर है किसी व्यक्ति के अंदर, अगर 60 किलो वजन है, तो हर व्यक्ति को अपने प्रति किलो के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। यानी अगर 60 kg किसी का वजन है, तो हमें 43 से 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे जानते हैं हमारे मेंस गोल्ड प्रोटीन के बारे में। तो ये जो प्रोटीन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बाहर से क्यों लें, है ना, क्योंकि आज की डेट में हम तो पहले से ही बहुत सारा प्रोटीन लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों हम लोगों को जरूरत है इस बाहर के प्रोटीन की। आप सब जानते हैं कि आज जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उसी प्रकार से जो हमारे किसान लोग हैं, वो एक फसल की जगह पर तीन तीन फसल वहां से उगाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमें प्रोटीन मिलती कहाँ से। हमें प्रोटीन मिलती है गेहूं से, चावल से, दालों से, इन सब चीजों से प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन ये इसकी अत्यधिक मात्रा में उगाई और कई सारे प्रकार के केमिकल इन सब चीजों के अंदर प्रोटीन की मात्रा को कम कर देते हैं, है ना। तो प्रोटीन लेवल जब कम हो जाता है, इसीलिए हर व्यक्ति को बाहर से प्रोटीन की आवश्यकता चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा नहीं बनेगी, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो हम लोग जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम में आ ही जाएंगे। चलिए जानते हैं हमारे मेंस गोल्ड प्रोटीन के अंदर ऐसा क्या क्या मिला हुआ है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो हमारे इस मेंस गोल्ड प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन पाउडर के अंदर 33 ग्राम प्रोटीन है, जो कि आपको तंदुरुस्त रखता है, आपको बेहतर रखता है, क्योंकि इसके अंदर सोया प्रोटीन और ब्रे प्रोटीन का मिक्सन है। इसके साथ साथ हमारे इसके अंदर हम लोग काउ मिल्क का यूज भी करते हैं, जो कि फैट से आपको बचाता है। तो इस ये कंप्लीट पैकेज है हमारा, जो कि आपको एक प्रोटीन बहुत अच्छे लेवल में हम लोगों को मिलती है। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में, इसके अंदर और क्या क्या पड़ा हुआ है। इस मेंस गोल्ड प्रोटीन को ना बहुत बेहतर बनाया है हमारे आयुर्वेद, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने प्रोटीन और विटामिन तो है ही, इसके साथ साथ 3 प्रकार के ऐसे आयुर्वेद इंग्रीडियंट्स डाले हैं, जिससे ये इसकी जो एनर्जी है बहुत तेजी हो गई। सबसे पहला जो मुख्य इंग्रीडियंट्स है वो है अश्वगंधा, दूसरा है इसका शिलाजीत, और तीसरा है अर्जुना। ये तीन जो एलिमेंट हैं, तीन जो प्रोडक्ट हैं, इससे इसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। चलिए इनसे डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा को बहुत सारे लोग जानते हैं, ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर,
इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। जो व्यक्ति परेशान रहते हैं, जिनके अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, हर व्यक्ति काम पर ज्यादा फोकस करता है, सुबह से शाम तक आलस जिसको आता है, क्योंकि सुबह से शाम तक आदमी किसी ना किसी कार्य में लगा रहता है और शाम को जब वो आता है तो बिल्कुल भुजा हुआ रहता है, जिसका उसको ना तो खाने का मन करता है कुछ, ना किसी और चीज का मन करता है। तो ये जो अश्वगंधा है, अगर आप प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत सारे लाभ आपको प्रोवाइड करेगा। इससे हम लोगों के बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी इससे पूरी होंगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये हार्मोन्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके सारा सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। इसके साथ साथ हमें जो नाइट फॉल की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे लोगों को आज की डेट में नाइट फॉल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, इसमें भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करता है इसको। इसके साथ साथ अश्वगंधा जो यूज करते हैं उनको नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आज की डेट में नींद की बहुत प्रॉब्लम है। बेड पे जाते ही आदमी को नींद आना बहुत असंभव सा हो गया है, इसके लिए वो मोबाइल फोन का यूज करता है। लेकिन अगर हम लोग रेगुलर मेंस गोल्ड और अश्वगंधा को यूज करते हैं तो हम लोगों की ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एंटाप्योन के नाम का एक रसायन होता है जिससे हमारी नींद डेवलप अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ प्रजनन क्षमता आज के डेट में पुरुषों के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती चली जा रही है, जिसको अच्छा करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके साथ साथ जो पुरुषों का बाँझपन है इसको भी बहुत ज्यादा खत्म करने में इसका बहुत ज्यादा मेन रोल रहता है। और डिप्रेशन जैसी समस्या आज की डेट में, मानसिक तनाव बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, मानसिक तनाव होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको इम्प्रूव करने में, जिसको अच्छा करने में ये सुगंधा का बहुत बड़ा मेन रोल है। और इसके साथ साथ जो प्री मेच्योर जो शीघ्र पतन है इसको भी इम्प्रूव करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, कि जो इतनी समस्याओं से परेशान है, शीघ्र पतन को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, वो जाने कितने प्रकार की दवाइयां खाते हैं, लेकिन उनसे प्रॉब्लम्स आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम लोग इसका यूज करते हैं तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है इसके अंदर शिलाजीत। शिलाजीत हम लोग जानते हैं कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मेन रोल इसका अदा करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जिनको स्लीपिंग डिजीज है, उसको भी ये डेवलप करता है। इसके साथ साथ आयरन इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जो कि हमारी खून की कमी को दूर करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर फोबिक एसिड, एक ऐसा एसिड्स पाया जाता है जिससे हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा बूस्ट होती है, जिनको मेमोरी को लेके भी प्रॉब्लम है वो भी हमारी इस माइंस गोल्ड को लेने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ हमारा ऑक्सीडेंट घटक है, ये बहुत ज्यादा लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने में प्रॉब्लम रहती है, तो जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है हमारी शिलाजीत को लेकर। इसके साथ साथ एंटी डायबिटिक गुण भी इसके अंदर है, तो जो लोग डायबिटिक को लेके प्रॉब्लम में है उसकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इसके बारे में आगे और जानेंगे, तो अर्जुना कैप्सूल के बारे में, अर्जुना के बारे में जानेंगे। तो वैसे तो हमारी वंदना मैम ने इसके बारे में बहुत डिटेल में आप सब लोगों को बताया, लेकिन एक बार फिर से ये जो अर्जुना है ये हार्ट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा हृदय है, पूरे ब्लड के अंदर सेल्स जितने भी डेवलप करता है, ये एक ब्लड सर्कुलेशन जो क्रिएट करता है नाखून से लेके बाल तक का, तो इसके अंदर मेन रोल ये अदा करता है। तो अर्जुना को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे हार्ट के लिए माना जाता है। ये गले के अंदर खराश, गले के अंदर कफ और बलगम, ये तीनों को बिल्कुल खत्म कर देता है। डायबिटीज को भी ये लेवल करता है। इसके साथ साथ कैंसर रोधी गुण, कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है और आज की डेट में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों का कैंसर रोधी गुण इसके अंदर पाया जाता है, जिससे कैंसर का खतरा इसमें कम हो जाता है। इसके साथ साथ पेशाब में जिन व्यक्ति को जलन होती है, जिनको यूरिन प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है किसी प्रकार का, तो वो भी इससे खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ जो हमारी हड्डियां हैं, हमारी बोन है, इनको भी टूटने से जो कमजोरी हो जाती है उससे भी ये राहत हम लोगों को देता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या गुण है। इसके अंदर हमारी कई प्रकार की प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी विटामिन है। इसके अंदर विटामिन ए है, जो कि हमारी आई
और स्किन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ इसमें B1 जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाती है, इसके साथ साथ इसमें B2 भी पाया जाता है जो कि हमारी रक्त कोशिकाओं को एनर्जी प्रोवाइड कराती है और इनको डेवलप करने में मदद करती है। इसके साथ साथ इसमें भूख की जो कमी है उसको दूर करने के लिए B6 का बहुत ज्यादा रोल है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उसको B6 हमारे इसके अंदर पड़ी हुई है, जिससे आपको अच्छी भूख भी आपको लगेगी। इसके साथ साथ हमारे B12 इसके अंदर पाया जाता है जो कि हमारे किडनी और लिवर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके साथ साथ विटामिन सी जो कि कैंसर और कोल्ड से हम लोगों को बचाता है। इसके साथ साथ हमारे विटामिन डी, आप सब जानते हैं एक गठिया जो रोग है इसको दूर करने में इसका मेन रोल अदा होता है। आगे और जानते हैं इसके अंदर और कौन कौन सी विटामिन हैं। इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारे रक्त संचरण के सुधार के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ नियासिन विटामिन होता है जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है। इसके अंदर बायोटिन विटामिन भी है जिसको B7 भी बोलते हैं, वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारे पास में पायोथ्रिक एसिड्स भी इसके अंदर है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव और रखने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे फोलिक एसिड इसमें पाया जाता है जो कि फर्टिलिटी की जो समस्या रहती है उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट करता ही करता है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है कैंसर की उसमें भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट किए करते हैं। तो हम लोगों ने विटामिन को जाना, अब हम जानते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम और मिनरल्स कितने कितने। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एक समय आता है कि ब्लड शरीर के अंदर खून और कैल्शियम बनना कम हो जाता है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है इससे हम लोगों को बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन मिल जाते हैं जिससे हम लोग हेल्दी रहते हैं। तो कैल्शियम हम लोगों को ज्यादा मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप सब जानते हैं कि हम लोग कैल्शियम का जो उपयोग है वो हमारी हड्डियां और दांतों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारी मांसपेशियों को डेवलप करने में इनका मेन रोल चाहिए। तो जो डेवलपमेंट होता है तो हम लोगों को कैल्शियम की जरूरत चाहिए। इसके साथ साथ पोटेशियम चाहिए क्योंकि तंत्रिका के लिए और मांसपेशियों के संकुचन और हृदय की जो धड़कन है जो हार्ट बीट है इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और कॉपर है, कॉपर में हम लोग शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने में जो डेवलप करने के लिए जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं या हम लोगों को भी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है वो कॉपर की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ इसके अंदर आयोडीन भी पाया जाता है जो कि थायराइड की जो प्रॉब्लम जिनको है उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको सही करने के लिए इसको हमें जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ इसके अंदर आयरन जो कि हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ब्लड हम लोगों के शरीर के अंदर आएगा तो बहुत ज्यादा हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, तो इसमें सबसे ज्यादा मेन रोल रहता है आयरन का। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। तो आयरन के बाद हम लोगों को जरूरत पड़ती है फास्फोरस की, तो फास्फोरस भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया गया है जो कि हमारी दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरत पड़ती है, और भोजन में से ऊर्जा इसी को ये प्रदान। तो मैग्नीशियम इसके अंदर एक और चीज हम लोगों का है, मैग्नीशियम पाया जाता है जो शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर सोडियम भी पाया जाता है जो कि हमारा जो पानी की जो कमी है उसको दूर करने में इसका मेन रोल रहता है, और मांसपेशियों को अच्छा करने में इसका डेवलप करने में बहुत सारा रोल रहता है। इसके साथ साथ जिंक इसके अंदर पाया जाता है जो कि स्किन डिजीज की, स्किन का जो प्रॉब्लम है इसको सही द्वारा से डेवलप करने में इसका बहुत ज्यादा मेन रोल रहता है। इसके साथ साथ जो त्वचा है इसमें कभी कभी घाव जो हो जाते हैं उन घाव को भी जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करने का काम भी ये जिंक करता है। इसके साथ साथ क्लोराइड इसके अंदर मिला हुआ है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो पानी की कमी है और हम अम्ल और क्षार की जो कमी है वो इसको दूर करता है। चलिए सर आगे और जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो कंप्लीट पैकेज है ना मेंस गोल्ड का, इसके अंदर वो सारी कमियां दूर हो जाती हैं अगर इसको हम लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो हमें कंप्लीट एक बहुत बड़ी एनर्जी हम लोगों को मिल जाती है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को इसके फायदे के बारे में जानेंगे तो सबसे बड़ा फायदा है कि ये मसल्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, क्योंकि हमारे जितने भी मसल्स हैं
उसके अंदर जो टिश्यू जो क्रिएट हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का भी काम ये हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो आगे और जानते हैं मांसपेशियों के सही निर्माण के लिए और विकास के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इसकी बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका है। तो जो लोग अपनी मांसपेशियों को बिल्कुल तंदुरुस्त रखना चाहते हैं और रीजनरेट उसको जल्दी से जल्दी विकास चाहते हैं उसके अंदर, तो वो भी इसका उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी चोट हम लोगों को लग जाती है और उसको भरने में बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो इसकी वजह से ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको ये मेंस गोल्ड आपकी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो मांसपेशियां और त्वचा के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम इसका होता है। प्रोटीन संक्रमण से लड़ने की क्षमता देता है, तो संक्रमण जितने भी होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता भी ये प्रोवाइड कराता है। शरीर में तरल और तरल पदार्थ और ऑक्सीजन की जो कमी है उसका सर्कुलेट बिल्कुल बढ़िया तरीके से, हम लोगों को जानते हैं कि शरीर के अंदर हर अंग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसको सही तरीके से वितरित ये करता है। इसके साथ साथ प्रोटीन मैंने जो बताया आपको घाव को जल्दी ठीक करने का काम करता है और हमारी जो कोशिकाएं इसको बनाने में भी मदद करता है। तो अगर हम लोग मेंस गोल्ड को यूज करते हैं तो चोट से जल्दी इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं और क्या क्या फायदे हैं इसके। सबसे ज्यादा हर चीज वैसे तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये भी एक बहुत मेन रोल है कि जो व्यक्ति प्रोटीन लेवल लेते हैं, प्रोटीन का अच्छा उपयोग करते हैं, वो फैट से भी दूर रहते हैं। क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन के अंदर फैट को रिड्यूस करने की शक्ति होती है और ये आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है जिससे हमारा जो फैट है वो जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो जाता है और अच्छे प्रोटीन फैट को बाहर निकालते ही निकालते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो अपने फैट से निजात चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं जब इस ट्रेनिंग को देख रहा था तो मुझे पता लगा कि ये क्रेविंग नाम का एक रोग भी होता है। तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे भी इसके अंदर नॉलेज मिली और आप सब लोगों को मिल रही होगी। तो एक क्रेविंग जो है, क्रेविंग को कम, क्रेविंग है क्या इसके बारे में अगर डिटेल में हम बात करें कि कुछ लोग खाना खाने के बाद में भी कुछ और ज्यादा खाने की इच्छा हो जाती है उनकी, कोई फास्ट फूड देखा तो उसको तरफ आकर्षण जो है ना वो क्रीविंग है। और ये जो क्रीविंग के बाद जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो हम लोग खा रहे हैं कुछ भी, तो वो हमारे फैट को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका अदा करता है। तो जो लोग फैटी हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है इस प्रोटीन पाउडर से। तो चलिए ये जो प्रॉब्लम है ये दूर होगी। इसके साथ साथ हम लोग और जानते हैं इसके फायदे। जैसा कि हमने बताया कि ये इसके अंदर विटामिन डी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन डी और भी बहुत सारी चीजें हैं, अश्वगंधा मिला हुआ है, तो सब चीजें का जो कंप्लीट पैकेज है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। हम जानते हैं कि जब भी कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो एक जगह पर फ्रैक्चर हुआ उसके साथ साथ हड्डियों का चूरा बन गया, वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्थोपोरोसिस नाम की एक कमी हो जाती है हमारी हड्डियों के अंदर, उससे हम लोगों की ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है जो कि इसको दूर करता है हमारा प्रोटीन, तो इससे हम लोगों को ये प्रॉब्लम से निजात मिल जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके साथ साथ इसके इससे वो यूज करने से हम लोगों का जो नेक्स्ट जब हम लोग जाएंगे इसके अंदर तेज जो हमारा दिमाग है इसको इम्प्रूवमेंट करने का जो इम्प्रूव करने का जो हमने बताया कि हमारे ब्रेन को जो एनर्जी जब मिलती है पूरी तरीके से, जब हम लोगों को ब्लड सर्कुलेट सही होगा, हार्ट बीट सही होंगी, सब चीजें बढ़िया होंगी, तो हमारा दिमाग भी तेज रहेगा, हम लोगों की नींद की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो इससे ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इसके अंदर सेरोटोनिक नाम का एक ऐसा अम्ल मिला हुआ है जिससे हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। और आप सब जानते हैं कि हार्मोन्स जब जल्दी जल्दी डेवलप होंगे, जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जब प्रॉब्लम खत्म होगा, तो ये सब चीजें हम लोगों की नींद की जो प्रॉब्लम है खत्म होगी, तो हमारा जो मानसिक तनाव है ये बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। तो हम लोगों की ब्रेन की जो पावर है इसको बढ़ाने में इसका मुख्य भूमिका मिल जाती है। चलिए सर हम लोग और जानते हैं इसके बारे में। तो ब्रेन जब बताया कि आपको नींद का बहुत ज्यादा राहत मिलेगी इसकी, तो बेहतर नींद से हम लोगों को अगर बेहतर नींद चाहिए तो हमें प्रोटीन के लिए, प्रोटीन से हम लोगों को बेहतर नींद भी हम लोगों को मिलेगी। तो इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं लेकिन एलोसिक अमीनो जो बेहतर स्रोत है इसका,
उससे हम लोगों की नींद में डेवलपमेंट अच्छा होता है। चलिए सर आगे और जानते हैं। हमारा जो बीपी है, रक्तचाप है, इसको संतुलन करने में भी इसका मेन रोल अदा करते हैं। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, आप देखते हैं कि कई सारे, जब हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती रहती है। तो इस बीपी की प्रॉब्लम से अगर जिनको प्रॉब्लम है, तो ये प्रोटीन आपको इस प्रॉब्लम से भी निजात मिलेगी ही मिलेगी। तो जब हम लोगों को बेहतर नींद आएगी, जब हम लोगों को बेहतर जो रक्तचाप है हमारा, ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म होगी, नहीं सर, बेहतर नींद तो हम लोगों को डेवलप होगी। तो अब हम लोग अगर ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर हमारा मदद रहेगा। तो ये नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, इसके बारे में और ज्यादा ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जो प्रोडक्ट है ये पाया जाता है। तो हमारी, जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर विटामिन इतनी ज्यादा अच्छी है कि जिनसे हमारी आईज को इम्प्रूव करने के लिए ये मेन रोल अदा करता है। चलिए सर आगे और जानते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें इन प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वैसे हर व्यक्ति को है, 12 साल से लेके और ओल्ड एज तक, जो लोग अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए। लेकिन ओल्ड एज में जाके हमारे ब्लड सेल्स डेवलप होना और इसके साथ साथ हमारे कैल्शियम लेवल कम होना, ये सब चीजें कम हो ही जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि खान पान का लेवल बहुत कम हो जाता है, भूख ना लगना एक समस्या हो जाती है उनके साथ। तो हम लोग अगर रेगुलर चाहते हैं कि हमारे सभी लोग ठीक रहें, तो हम लोगों को प्रोटीन उन लोगों को देनी चाहिए, जिससे आंखों की जो प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाएगी, ये भी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो बुजुर्ग जो लोग हैं इनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमें इनको अगर हेल्दी रखना है तो हम लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता इनको देनी चाहिए। चलिए आगे और जानते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन, क्योंकि हम लोगों को जानते हैं कि हम लोगों को 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, और हमारा जो शरीर है हमारे भोजन से केवल 11 प्रकार के अमीनो एसिड्स का ही निर्माण कर पाता है। लेकिन हम लोगों को अगर इसको इम्प्रूव करना है, अमीनो एसिड्स की कमी को दूर करना है, तो हम लोगों को 9 जो प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं वो हम लोगों को इसी प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए हमें इस प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए आगे और जानते हैं। रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो जो लोग रोग से किसी से पीड़ित हो जाते हैं, जो लोग बेड पर चले जाते हैं, जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं, जो भी जिनके साथ में शारीरिक दोष हो जाता है, उन लोगों को तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं कि इतने सारे विटामिन, इतने सारे मिनरल्स और प्रोटीन लेवल होता है, जो कि आपके शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जिससे हमारी रक्त कोशिकाएं गड़बड़ हो जाती हैं, रक्त कोशिकाएं परेशान हो जाते हैं, उससे हम लोगों का जो खान पान का जो घटक है, खान पान जो सही नहीं रह पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनटेक बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। अगर हम लोग प्रोटीन को अगर देते हैं तो वो लोग जल्दी से जल्दी अपनी हेल्थ में सुधार कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी लोग ठीक हो जाएंगे। इसके बारे में और जानते हैं। तो ये जो मेंस प्रोटीन है ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए और हमारे नाखूनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में प्रोटीन की वजह से ही ये सारी चीजें गड़बड़ है। प्रोटीन लेवल अगर किसी का अच्छा नहीं है तो ब्लड नहीं बनेगा, और ब्लड जब तक सर्कुलेट हमारे बालों और नाखूनों तक नहीं पहुंचेगा तो हम लोगों की इनकी डिजीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। आज की डेट में जो हेयर लॉस है ये बहुत कम एज में स्टार्ट हो चुका है, उसका मुख्य कारण है कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी, और इसके अंदर केराटिन प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जरूरी है, और इसके अंदर हम लोगों को अगर केराटिन प्रोटीन मिल जाता है तो हम लोगों के जितने भी स्किन डिजीज हैं और हमारी जो है हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाती है, और हम लोग जितने भी ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो सभी लोग, हम लोगों के ये इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो चलिए आगे और जानते हैं इसके बारे में कि हमारे दिन तो बहुत सारे, ये कंप्लीट एक पैकेज है जिसको हम लोग अगर प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों के कई सारे रोग निरोगी हम लोग रह सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोगों को प्रतिदिन एक स्कूप में 20 ग्राम प्रोटीन आता है, क्योंकि अगर
आप इस डिब्बे को जब खोलेंगे तो इसके अंदर एक चम्मच निकलेगी, उसमें 20 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में आ जाएगा, जिसको हम लोग अपने दूध के साथ, पानी के साथ और जूस के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो हम लोग पूरा डाइट हमारा लगभग कवर हो जाता है। तो इसके बाद अगर अच्छे रिजल्ट हम लोगों को चाहिए तो हम लोग धीरे धीरे करके वॉक करना स्टार्ट करें, 1 से 1.5 किलोमीटर चलेंगे, फिर धीरे धीरे करके और ज्यादा, अगर इसको खाने के बाद अगर हम लोग टहलते हैं तो हम लोगों की हेल्थ और इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों ने आज शेयर किया। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माय रिचर्ज मॉर्निंग, हम सब पवनेश सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करूंगी, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ पता चला आज कि प्रोटीन किस लिए हमारे सबके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत नीड है, क्योंकि प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक, और प्रोटीन में कितना सारा विटामिन मिनरल सब कुछ है, और बहुत कुछ सीखा है कि प्रोटीन किस किस के लिए बहुत जरूरी है, बेटर और शार्पर माइंड के लिए अच्छा है, बेटर स्लीप के लिए अच्छा है, एसेंशियल फॉर आईज, क्योंकि आईज का बहुत कुछ डिजीज होता है उसके लिए बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा जो है क्रेविंग, क्रेविंग बहुत सारा आदमी का है कि एक बार खाना खाने के बाद बार बार खाना भूख लगता है, वो भी खत्म करते हैं हमारा मेंस गोल्ड। तो मेंस गोल्ड ऐसा एक प्रोटीन है जो हम सबका जेंट्स लोग को लिए कि बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जेंट्स लोग को पूरा केयर करेंगे ये मेंस गोल्ड। तो हमारे सबको जो घर में जो जेंट्स लोग है और हमारा पहचान वाला जितना जेंट्स लोग है सबके लिए अच्छा होगा, तो हम सबको ये रिकमेंड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ऐसा ऐसा बेनिफिट है, हम सब सीखेंगे और बाहर देंगे, घर का जेंट्स लोग को भी देंगे, और वो उसका जो फायदा मिलेगा वो बाहर जाके बोलने के बाद बाहर का भी बहुत सारा जेंट्स ये यूज करेंगे और अच्छा रहेंगे।